My dear students of class first year, today I am going to discuss you the first lesson of your physical education book. And about the soft skills required for different careers. विभिन्न प्रकार के कैरियर के क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से स्किल होने चाहिए, कौन कौन से स्किल की आवश्यकता होती है, कौन कौन से गुणों के विकास की आवश्यकता होती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे. फॉर कैरियर इन एनी फील्ड द फॉलोइंग सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड. जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हमको अपने कैरियर बनाने की बात आती है, हमको जब अपना कैरियर बनाना होता है, तो नीचे दिए हुए गुणों को अपने अंदर हमें विकसित करने की आवश्यकता महसूस होती है. हम इसको देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इन दैट फील्ड. जिस भी क्षेत्र में हम, जिस किसी क्षेत्र में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में काम करने की हमारी रुचि हो. जिस क्षेत्र में काम करने की रुचि होती है, वह काम एक बेहतर तरीके से संपादित होता है, कंप्लीट होता है. रुचि नहीं रहती है, उस काम को हम बहुत ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है. फॉर कैरियर इन एनी फील्ड द इंडिविजुअल शुड हैव हाई इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट फील्ड. किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उस क्षेत्र में काम करने की रुचि रखता हो और एक हाई इंटरेस्ट, एक उच्च स्तरीय रुचि उसके अंदर हो. एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट फील्ड, और उस क्षेत्र में काम करने के लिए उसके अंदर पॉजिटिव सकारात्मक गुण का होना अत्यंत आवश्यक है. सेकेंड पॉइंट, गुड पर्सनैलिटी एंड गुड हेल्थ. वन शुड पॉजिट ए गुड पर्सनैलिटी, गुड फिटनेस एंड गुड हेल्थ. इट इज द बेस ऑफ गुड करियर. एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा व्यक्तित्व, शरीर की फिटनेस, यह एक अच्छे कैरियर का आधार होता है. इसी आधार पर हम एक अच्छे कैरियर का निर्माण कर पाते हैं. थर्ड पॉइंट, साउंड माइंड. साउंड माइंड, साउंड माइंड का तात्पर्य, साउंड माइंड का तात्पर्य जब भी हम किसी कैरियर के लिए या किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारा एक स्वस्थ मस्तिष्क से होना चाहिए. जब हम किसी तनाव में या उतावले मस्तिष्क से किसी डिसीजन को लेते हैं, वो डिसीजन अक्सर हमारा गलत होता है और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो निगेटिव मिलता है. फॉर कैरियर इन एनी फील्ड वन शुड पॉजेस साउंड माइंड. हर व्यक्ति को चाहिए कि जो कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वह एक साउंड माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क उसके अंदर हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो और मानसिक अस्थायित्व तो उसके अंदर हो, एंड इमोशनल बैलेंस, और जो भावनात्मक संतुलन है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. वो उसके करियर को एक ऊंचा स्तर प्रदान करता है. इमोशनल बैलेंस का तात्पर्य, इमोशनल बैलेंस में कभी कभी व्यक्ति किसी की भावनाओं का शिकार हो जाता है. लोग इमोशनल तरीके से किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए या उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा करने में सहायक हो जाते हैं भावनात्मक रूप से, तो उस पर संतुलन बनाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, जो साउंड माइंड के द्वारा ही संभव है. नेक्स्ट पॉइंट, गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस. देखिए, स्कूली शिक्षा को हम महत्व नहीं देते हैं और हमारा रिजल्ट, हमारा करियर खराब हो जाता है, हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाते. अच्छा एकेडमिक करियर, जब हम स्कूलों में होते हैं तो हम स्कूलों में जो हमारा आचरण होता है, हम किस प्रकार से अपने सारी क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हैं विद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान, ये सब चीज़ें हमारे आगे के करियर को बहुत प्रभावित करती हैं. और अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा बेहतर है, तो इट इज़ श्योर दैट आवर करियर परफॉर्मेंस विल बी बेटर. नाउ, लीडरशिप एबिलिटी. The leadership quality, competitive ability and good socialization skill enhance the career options.
लीडरशिप एबिलिटी, हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता, उस विद्यार्थी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता हो जो अपने करियर की तलाश के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता हो, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी हो, प्रतिस्पर्धा करने का एक गुण हो उसके अंदर, एक अच्छा अच्छी सामाजिकता का गुण उसके अंदर विकसित हो, ये सारे बिंदु हैं जो एक अच्छे करियर की ओर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, एक अच्छे आयोजन का गुण हो, ऑर्गेनाइजेशन का गुण हो, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का एक अच्छा गुण हो। वन शुड पॉजेस गुड एबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन विथ कमांडिंग एबिलिटी, उसके अंदर कमांडिंग एबिलिटी, कमांडिंग एबिलिटी का तात्पर्य आदेशात्मक, कमांड करने का मतलब कि सबको एक अपने आदेश के द्वारा हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज कर लेना और अपने आदेश को मानने पर विवश कर देना, दिस इज द कमांडिंग एबिलिटी। टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इट परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स, और अपने प्रोग्राम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये एबिलिटी, ये गुण किसी व्यक्ति में होना चाहिए। डेडिकेशन, वन मस्ट बी डेडिकेटेड एंड हेल्प द प्रमोटिंग दैट फील्ड एट एवरी लेवल, प्रत्येक स्तर पर हमें अपने कार्य के प्रति वफादारी हो, हमारे अंदर हो, वफादारी प्रदर्शित करें। नेक्स्ट, सोशल क्वालिटीज, हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास अत्यंत ही आवश्यक है, जैसे कि अनुशासन, ईमानदारी, एक साथ काम करने की प्रवृत्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मदृढ़ता, फ्रेंडशिप, मित्रता, फेथफुल, विश्वसनीयता, लॉयल्टी और उदारता, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, इनके आधार पर हम एक अच्छे करियर का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुड नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, अपने विषय का एक अच्छा ज्ञान हो, जिस क्षेत्र में भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी क्षेत्र हमारा है, जिस क्षेत्र का सिलेक्शन हमने किया है अपनी रुचि के अनुसार, उस क्षेत्र का एक अच्छा ज्ञान हमारे अंदर हो। अगर हमारे अंदर ज्ञान का अभाव होगा, उस क्षेत्र का ज्ञान का अभाव होगा, तो हम कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने से, हमारे हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट इट्स गुड इंस्टीट्यूशंस, जो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में भी हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वन शुड गेन गुड नॉलेज अबाउट द गुड इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज ऑफर्ड देयर, और इन संस्थाओं से हमें शिक्षा हासिल करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कंसल्टेशन विद एक्चीवर, वन शुड कंसल्ट विद सीनियर्स एंड गुड एक्चीवर्स, हमें उन लोगों से सलाह लेना चाहिए जो जिन्होंने इस उस क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की हो, अच्छी अपना मंजिल उन लोगों ने पा लिया हो, और जो हमारे सीनियर हैं, जिनको एक अच्छा अनुभव है उस क्षेत्र का, उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। दैट कैरियर दे कैन गाइड प्रॉपरली, जिससे कि वो एक अच्छे तरीके से हमको गाइड कर सकें। That's all.